आप देख रहे हैं YouTube चैनल वोकल फार्मिक। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो है बता रहा हूँ आपको कि ये जो बेस्ट टाइम है YouTube का चैनल बनाने का या YouTube पर काम करने का, यानी कि आप लोग जो है रेगुलर वीडियोस जो है वो अपलोड करना शुरू कर दें, क्योंकि जनवरी से लेकर जो है मार्च तक का जो टाइम होता है इसके अंदर जो है YouTube के चैनल जल्दी ग्रो हो जाते हैं। किस तरह ग्रो होते हैं आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, आपको एंड तक जो है पता चल जाएगा कि जनवरी से लेकर मार्च तक जो है जो टाइम पीरियड है ये कितना इम्पोर्टेंट है न्यू यूट्यूबर्स के लिए जिन्होंने नए चैनल्स बनाए हैं या जो है पुराने चैनल्स थे लेकिन वो अब अगर उसके ऊपर जो है रेगुलर काम करना शुरू करते हैं तो उनके चैनल जो है बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो ये जो बात है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जब न्यू ईयर जो शुरू होता है, जैसे ही जो है साल का एंड होता है उसके बाद जनवरी से लेके मार्च तक जो है एक ऑडिट जो है वो निकलता है जिसके अंदर तमाम स्कैम चैनल्स जो होते हैं, जो कि स्कैमर्स होते हैं, जो कि फेक व्यूज़ ले रहे होते हैं और या जो है कॉपीराइटेड कंटेंट जो है किसी तरीके से अपलोड करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि जैसे अगर आप देखें कि बिग बॉस सीरीज़ जो है वो चल रही है तो वो बिग बॉस सीरीज़ के अंदर ही कुछ लोग होते हैं जो कि उस कॉन्टेंट को जो है एडिट करते हैं, उनके पास जो है राइट्स होते हैं तो वो अपने चैनल्स बना लेते हैं और उनको जो है वहाँ पर भी अपलोड कर देते हैं। लेकिन जो कंटेंट है वो डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाता है, यानी कि एक ही वीडियो जो है वो दो चैनल्स के ऊपर जब अपलोड होती है तो YouTube को जो है वो कंसीडर करना होता है कि कौन सा चैनल जो है वो स्कैम है यानी कि फेक है, क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट जो है YouTube कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। एक वीडियो जो है वो एक ही चैनल पे अपलोड हो सकती है, अगर एक वीडियो जो है 10 चैनल्स पे अपलोड हो जाएगी तो YouTube को उसमें से कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सा चैनल जो है वो उसका ऑथेंटिक चैनल है। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो जनवरी से लेके जो मार्च तक यहाँ पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीन माह जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ही इन स्कैमर्स को हटाया जाता है तो व्यूज़ जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं रियल चैनल्स की तरफ। तो अगर क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो तो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने हैं यूट्यूब को, तो यूट्यूब जो है जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनको जो है सामने लेके आता है और जहाँ पर जो है अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स जो हैं वो सामने आते हैं, उनका कॉन्टेंट जो है वो लोगों तक पहुँचता है, लोग उसको देखते हैं और उसको सब्सक्राइब भी करते हैं। तो यहाँ तक जो है ये बात कंफर्म है कि ये तीन माह आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और इसके बाद मार्च का जो महीना है, इन तीन महीनों में अगर आप लोगों ने कतार में मेहनत की, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो आपके चैनल बहुत जल्दी बहुत फास्ट जो है वो ग्रो कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इन तीन महीनों से खूब फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे शाउट आउट चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में शाउट आउट की जो मुझसे रिक्वेस्ट है वो कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वीडियो शाउट आउट चाहते हैं तो अपनी वीडियो आप लोग मुझे बनाकर सेंड कर दें, नीचे एक वीडियो है उसके अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी मौजूद है, वहाँ पर आप लोगों ने उस डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को उस वीडियो को देखें आप लोग। उसके अलावा उस तरह एक वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उसका शाउट आउट भी दे दूंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।